मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 1334 अवर अभियंता संगणक और फॉरमैन को नियुक्ति पत्र उन्होंने वितरित किया। लोक भवन सभागार में सुबह 10 बजे आयोजित इस कार्यक्रम में अभ्यर्थियों के साथ साथ कई मंत्री भी उपस्थित रहे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में इस समय मिशन रोजगार को रफ्तार दी जा रही है। इसके तहत जहां सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, वहीं जिलों में रोजगार मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को ही मुख्यमंत्री ने मैनपुरी में आयोजित रोजगार मेला में युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया। वहीं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC के अध्यक्ष पद के लिए दोबारा से विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि जुलाई में जारी हुए विज्ञापन के आधार पर 50 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया, लेकिन इनमें से एक का भी नाम फाइनल नहीं हो सका, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं। आप में क्षमता थी, आपका सिलेक्शन हो गया, कोई आपके मार्ग में बैरियर नहीं बना, और आपकी योग्यता और क्षमता के बाद भी अगर कोई बैरियर बनता, उसी बैरियर को हटाने के लिए तो हम लोग हैं, ये मंच है, उसी बैरियर को हटाने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। और आगे भी हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं प्रदेश की युवाओं को कि उनकी योग्यता और क्षमता के सामने अगर कोई बैरियर बनेगा, उस बैरियर को हटाएंगे, उस बैरियर को तोड़ेंगे, और जो लोग फिर भी बेमानी और भ्रष्टाचार फैलाएंगे तो उनकी संपत्ति को कुड़क करके गरीबों में वितरित करने का काम भी करेंगे, कोई गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोगों को अवसर मिला, उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया, प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा, विकास कैसे हो पाएगा, पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग